ये प्यो गाना ते करी के ले पैर के कारखाना ने किसी और भाई जब पे प्यो जब बीमार जी तब तक तेरा के बखाई ये हसन रजा वर्गे ते जनाब है ना प्रदान इस बीच तक होश बगदाद की बिगड़े ना ते स्टेज पे चढ़े चेहरे में ना ये अफजल कादरी ने खातम हुसैन रिजवी को खुदा कहा अली याद रख तो इन्हें रिसालत की सदाकत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसकी तौबा कबूल करने का हुक्म कहां लिखा हुआ है? किसी सूरत कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की सच्चाई हिदायत दे दे, रब चाहे तो गुस्ताख रसूल को भी हिदायत दे दे, मन घड़े दिन मत बनाओ। हुजूर की हुजूर ने फरमाया पिछली कौमों को हुरूफ फी दीन, दीन के अंदर हुरूफ नहीं होना चाहिए, इस चीज ने बर्बाद किया, तुम भी हुरूफ फी दीन के अंदर मुब्तला हो गए हो। जिसके 30-40 लाख मरीज बना लिए, 400 मदरसों का काम ये बड़ा नहीं है जी, हम उस पीठ पे थूकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और तुझे तेरे पर थूकता कौन है? तेरी औकात क्या? तेरे पटेल को बोल हजार मरीज में सी उत्तर 50 लाख मरीज है, नहीं बन जाते 50 लाख मरीज को बनाने वास्ते शाम को 5 बातें वाशर सुन है और मुसलमान है।
सीना चौड़ा करके ये बात कह सकता हूँ, सारी दुनिया दे पीर एक पासे, बाबा जी दी तहरीक दे कारकुन दी जुत्ती एक पासे। वो पीर जो हुजूर की इज्जत पर बात ना कर सके, कहते साडे पीर साहब नहीं बोलते, मैं कह लकवा होया जुबान नू। अगर इनकी पक पक बंद रही तो
सुभा को फर्ज करा देता है। हजूर को सुभा घर में दाखिल होते हैं, माशा हजूर का पहला अमल घर में आते क्या होता है? मैं हजूर को सुभा किया करते थे। रात को उनके पहला अमल क्या होता? हजूर को सुभा किया करते थे। तुम्हें मुसलमानों से तकलीफ? हजूर ने सबसे पहला मदरसा हजूर ने बनाया असाबे सुभा का, और साहबा इकराम ने मदरसे बनाए, तुम्हें मदरसों से तकलीफ? हजूर ने मदीने में आके पहली मस्जिद बनाई, और रस्ते में भी बनाई, बाद में भी बनाई, और तुम्हें मस्जिदों से तकलीफ? हजूर ने दावत तबलीग का काम किया, और आज जो दावत तबलीग का काम करते हैं उनसे तुम्हें तकलीफ? तुम कौन सा नमूने रिसालत का पैरा दे रहे हो? ये खुली गुमराही है। नमाज ही बना देना। हजूर ने कहा अली जब मुकाबला करे पहले इस्लाम की दावत देना, अगर एक शख्स भी तेरी वजह से मुसलमान बन गया ना, ये सुरख मुंफों से ज्यादा बेहतर के मुहावरा था, इंतहाई कीमती अमल है। जो लोग मुसलमान करे अफ्रीका यूरोप अरब हिंदुओं की बस्तियों की बस्तियों जिन्होंने मुसलमान कर दी, कादियानी जी ने जिन्होंने मुसलमान कर दिए, काटे बटे ने कहने ने सानू कादियानी मुसलमान कबूल ही नहीं, तो साढ़े जुबाना में खुलाओ। ये गुमराही है। नमूसे रिसालत का मफहूम नहीं पता। नमूसे रिसालत लोगों को नमाजी बनाना, हजूर की नमाजें सिखाना, ये नमूसे रिसालत का तहफ्फुज़ है। हजूर की अदाओं को आम करना, सुन्नतों को आम करना, मिसवाक को आम करना, सफेद लिबास को आम करना, इमामों को आम करना, दावत तबलीग का काम करना, 1,34,000 कमों पे शुक्रिया है, सब ने दावत तबलीग का काम किया, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, हमें ये जो देता है शहीद और नामों से रिसालत के तहफ्फुज़ का काम है, जो मेरे शेख तरीकत 40 साल से ज्यादा सवाल करते हो। सुभान अल्लाह। और ये काम वो है जो पीर ने कहीं भी किया, ये काम वो है जो हजूर दादा गजबख्श ने भी किया, यही काम वो है जो ख्वाजा मोहम्मद बिन चिश्ती अजमेरी ने किया, गौसे आजम ने किया, यही वो काम है जो इमाम आजम ने किया। हमें दिखाओ मैं इन बुजुर्गों का चैलेंज है, उन्होंने कितने धरने दिए, इन्होंने गुस्ताखों का अमल और इल्म के जरिए मुकाबला किया। आपने अपना मन भड़क बना लिया, वाशिंग मशीन बना ली, जो हमारे धरने में के जल्दी आ जाए, हमारे स्टेज और जलसे पे जरा भी आ जाए, वहां आफत सही का पुत्र आ जाए, वाशिंग रसूल और रचाल है जी, ईमान बांटे जरा साढ़े स्टेज ताटे तरीके ने दिन का काम ना करे, है जी वो गद्दार, और मुझे शादत भी गद्दार, ये अपनी तश्मी अपने पास रखो, समझे ना? तुम्हें और जबान सिखाई गई है, उत्तर अच्छी और जबान हमारे पास ना हजरत के फतवे हैं, और फतवा यही है कि गुस्ताख रसूल की सजा है, लेकिन वो हाथ में सलाम देगा। कौन देगा जी? हाथ में सलाम देगा। आज शख्स को उठकर गुस्ताख रसूल को मार जाके गर्दन उड़ा देने की अकल फुकहाए किराम इस्लाम की रोशनी में इजाजत है? नहीं देते। जनू पीड़े सैकड़ा लाख मुनाजरा करे। अल्लाह साध गांधी जी ने चैलेंज हाँ जी उन्होंने नायब अमीर भी सब प्रस्तुत सुनी सारे उन चैलेंज को लेकर थलो था। यही फतवा है उसी दीन के दुश्मनी अपने आप मसाल बंद कर मन सब नबी मन सब नबी हुक्म हर एक उम्मीद का बड़ा आला हजरत से लेके ऊपर इमाम आजम के ये हुक्म हाथ में सलाम को है। अगर तुम बहादुर सुना तो जिन शाह प्रवक्ता वाक्य अजीब मोहन करना सी अगर तक तुम चढ़े हो ना तो जिन जाकर थे मारे है चलो आशी जी क्या कि साढ़े ना तलक नहीं होगा तो तुम प्यो के सुन जाके मोहन कर लेना सी कि साढ़ा तरीके लपैक जा ना पुत्रा प्यो के क्या के तरीके लपैक जा और अपनी क्या तक मोहन कर लगा फिर मैं तुम दसा कि तुम जाना कि नहीं जाना। आप अपनी मनपसंद
حالانکہ میں نے اگر آج کے بعد ان لوگوں نے مشائخ اعظم پیران اعظم اور علماء کی توہین کا سلسلہ بند نہ کیا اگر قرآن و حدیث سے دفاع کریں گے پھر ہم بتائیں گے کہ علماء ولیوں کی توہین کرنے والا کون ہوتا ہے من عاد علی ولیا فقد اعظم تو بلا اتر تھی جلد لڑو میں لڑو اللہ کا جا کر ولی توہین کرے گا میرا خلاف مانے رسول علماء کے توہین کرنے والوں کو اور ولیوں کی توہین کر کھلا منافق ہے آواز آئے اسی ساڑھے بڑے کے تریفا کریے میں جب تھی ساڑھے بڑے کے توہین کرو یہ برداشت نہیں ہوگا وہ چاہتے تھے کہ دین وہ ہو جو ہماری مرضی کا عثمان کہتے تھے دین وہ